हेलो गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर विद अदर्स। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फसलों के प्रमुख खरपतवार के बारे में जानेंगे, जिसमें कि जो खरपतवार हैं उनका प्रचलित नाम, उनका अंग्रेजी नाम और जिस फसल में इनकी प्रमुखता पाई जाती है उसके बारे में जानेंगे, और साथ में उन खरपतवारों का हम लोग चित्र भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चौलाई, जिसका अंग्रेजी नाम है अमरंथस स्पीसीज, और ये जिस फसल में पाई जाती है वो टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू आदि फसलों में ये पाई जाती है। दूसरा है मको या कुटुम्बा, जिसका अंग्रेजी नेम है नाइट शेड, ये भी टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू आदि फसलों में पाई जाती है। बथुआ, जिसका कि अंग्रेजी नाम है चिनोपोडियम एल्वम, ये जिन फसलों में पाई जाती हैं वो हैं आलू, टमाटर और मटर। कुल्फा या नोनी सागा, इसका अंग्रेजी नाम है पोर्टू लाका स्पीसीज, जो कि जिस फसल में पाई जाती हैं बैंगन, टमाटर, मिर्च, प्याज आदि फसलों में ये पाई जाती हैं। उसके बाद है हमारा केना, जिसका अंग्रेजी नाम है कोमेलिना, ये बैंगन, टमाटर, मिर्च, प्याज आदि फसलों में भी ये भी पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा है सुनसुनिया, जिसका अंग्रेजी नाम है मार्सिलिया स्पीसीज, ये भी टमाटर, गोभी, आलू आदि फसलों में पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा है जंगली पालक, जिसका कि अंग्रेजी नाम है पोलीगोनम, ठीक है, ये भी टमाटर में पाया जाने वाला एक खरपतवार है या वीड है। उसके बाद हमारा है मोथा, जिसका कि इंग्लिश नाम है नट ग्रास, ये सभी फसलों में पाया जाता है। उसके बाद है चकोर, जिसका कि इंग्लिश नाम है केसिया टोरा, ये भी खरीफ की सभी फसलों में पाई जाती है। ये जो वीड है ये खरीफ की फसलों में सभी फसलों में पाया जाता है। खट्टा साग या मेथो साग, जिसका अंग्रेजी नाम है ऑक्सालिस, ठीक है, ये अधिक सिंचाई वाली फसलों में पाया जाता है। उसके बाद हमारा है बैंग साग या सेंटिला, ये भी अधिक सिंचाई वाली फसलों में पाया जाता है। और एक बार हम लोग अब उन खरपतवारों को चित्र के माध्यम से देखेंगे, तो आइए देखते हैं। ये चौराई का हुआ अमरंथस स्पीसीज का, या फोटो में जैसा कि देख सकते हैं उसकी पहचान के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं, ये रहा अमरंथस स्पीसीज, ठीक है। इसकी पत्तियां जो चौड़ी चौड़ी होती हैं और साइड में आगे की ओर देखो नुकीली बनी हुई होती हैं, और ये रहा मकोए का, जिसको कोई इंग्लिश में नाइट शेड बोलते हैं, ठीक है। इनमें ये गोल इनका जो फ्रूट होता है वो गोले गोले टाइप का होता है, ठीक है, जिसको आप फ्रूट के थ्रू पहचान सकते हैं। उसके बाद ये रहा बथुआ, आपका बथुआ की पहचान कर सकते हैं। केना, ठीक है। उसके बाद अगला है सुनसुनिया, वो इस तरह से होता है, उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, तीन भागों में डिवाइड होती हैं, देखिए ये रही, एक इधर को, ठीक। फिर नट ग्रास मतलब इसका जो ग्रास होता है वो नारियल के पौधों की पत्तियों के जैसा होता है, इसलिए इसका नाम नट ग्रास पड़ा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं इसका ग्रास किस तरह से है, ठीक है। उसके बाद है हमारा गूंज घास या गूंज ग्रास, ठीक है, इसका भी आप देख सकते हैं इस फिगर, और ये छोटी तुकदी रही, इसकी साइड साइड में दो पत्तियां होती हैं और बीच में इसके फ्रूट टाइप के कुछ लगे हुए होते हैं, ठीक है। ये छोटी तुकदी हो गई, ये गूज ग्रास हो गया, ओके। नेक्स्ट कुल्फा या नेनी सागा, उसका भी फिगर रहा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी इससे संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।